हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाने जा रहे हैं सात्विक रोटी और इसके साथ सोयाबीन की सब्जी जिसमें हमने तेल का यूज़ नहीं किया। उसके लिए पहले हम क्या बनाएंगे, सात्विक रोटी के लिए मैंने यहाँ पर आटा लगा लेंगे। आटे में मैंने क्या लिया है, यहाँ पर आधा कप आटा लिया और बीटरूट को अच्छे से कद्दूकस करके लिया है। आप बीटरूट को उसको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करके भी ले सकते हैं, उसका फल बना सकते हैं। मैंने क्या किया, अब यहाँ पर इसको अच्छे से पहले मिक्स कर रही हूँ। बीटरूट को सारी आटे में अच्छे से मिक्स करने के बाद जिसमें मैंने बीटरूट को अच्छे से कसा था उसी में मैंने पानी ले लिया है और थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर आटा लगा लूँगी। अब मैं आटा आपको बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है, ना ज़्यादा टाइट लगाना ना ज़्यादा ढीला, मतलब मीडियम लगाना है। जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं सेम वैसे ही आटा लग चुका है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए साइड रख देंगे। सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जीरा लिया, आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर कोई ऑयल यूज़ नहीं किया। फिर मैं यहाँ पर हींग डालकर उसको अच्छे से भून लूँगी। भूनने के बाद यहाँ मैं प्याज भून लूँगी। प्याज अब गोल्डन हो जाएंगी, उसके अंदर मैं शिमला मिर्च और मिर्च ऐड कर दूँगी। उसके बाद क्या करना है, हम इसे 1 मिनट तक भून लेंगे। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी यहाँ पर हम चॉप किया हुआ टमाटर ऐड कर देंगे गाइस। जैसे कि आप जानते हैं टमाटर ऐड करने के बाद हम यहाँ पर नमक डालते हैं, तो टेस्ट अकॉर्डिंग अपना नमक डाल सकते हैं। उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम कुछ मसाले और ऐड करेंगे, जैसे धनिया पाउडर, यहाँ पर जीरा पाउडर, यहाँ पर हमने डाला हल्दी और यहाँ पर हमने डाला है लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका ये मसाला नीचे लग रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं और मसाले को अच्छे से पका लेंगे। मसाला जैसे ही पक जाएगा, हमने यहाँ पर सोयाबीन को उबाल कर अच्छे से हाथों से क्रश कर लिया था और हम इसको ऐड कर देंगे और मिक्स करेंगे। मिक्स करने में अगर आपको कोई दिक्कत होती है आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, साथ ही इसके अंदर धनिया के पत्तों को ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से खदका लेंगे। ये सब्जी रेडी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लोई ले लिया, उसको अच्छे से बेल लेंगे। रोटी बेलने के बाद यहाँ मैंने तवा साइड में गरम कर लिया है। मैं यहाँ आयरन का तवा ले रही, कोई नॉन स्टिक पैन नहीं ले रही। फिर इसको हम अच्छे से सेक लेंगे और दूसरी साइड भी सेक लेंगे। कपड़े की हेल्प से हम दोनों अच्छे से इसको सेक लेंगे, यानी आप गैस पर ना सेक कर तवा पर ही रोटी को अच्छे से सेक लीजिए। ये रोटी रेडी है। अगर आप घी लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। खाओ पियो मौज करो, एंजॉय, बाय।